हर्षिदी वन डायरेक्शन फ्रॉम वर्ड टू क्रिएशन में आप सभी का स्वागत है। आज का अपना विषय है हिंदी व्याकरण में सर्वनाम। हमने इसके आगे वाले वीडियो में संज्ञा के बारे में पढ़ा था। हम पहले एक दो उदाहरण देखते हैं और उसके बाद जानेंगे कि सर्वनाम क्या होता है। जैसे पहला उदाहरण है अपना, विराज छात्र है, विराज कक्षा 5वीं में पढ़ता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, नेह और आरव मित्र है, नेह और आरव कॉपी में लिख रहे हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो विराज, नेह और आरव, ये व्यक्तियों के नाम है, मतलब यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा का हम उपयोग कर रहे हैं। और देखते हैं तो यहाँ पर आप देखिए, विराज विराज दो बार इस्तेमाल किया गया है। अभी यहाँ पर एक और ऐड कर देते हैं, विराज पढ़ने में बहुत ही होशियार है। चौथा वाक्य इस्तेमाल करते हैं, उसमें फिर से विराज इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये विराज विराज, फिर नेह और आरव, ये नाम जो है वो पुनरावर्तित हो रहे हैं। ये जो नाम है बार बार यहाँ पर, जैसे पहले वाक्य में विराज दो बार पुनरावर्तित हो रहा है, दूसरे में नेह और आरव दोनों पुनरावर्तित हो रहे हैं। संज्ञा जो शब्द होता है, वो संज्ञा शब्द को हम बार बार अगर पुनरावर्तित करते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता, वो वाक्य थोड़ा सा हमें पसंद नहीं आएगा। उसकी जगह हम क्या करेंगे, जैसे विराज है, विराज की जगह वह का इस्तेमाल करेंगे। नेह और आरव है, उसकी जगह वे का इस्तेमाल करेंगे। वह जो है वो एकवचन शब्द है और वे जो है वो बहुवचन शब्द है। अभी इनको क्या बोलेंगे उसके बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। संज्ञा के शब्द पर, जैसे कि विराज के शब्द पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, वह का इस्तेमाल करेंगे। नेह और आरव की जगह हम किसका इस्तेमाल करेंगे, वे का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो संज्ञा की जगह हम दूसरे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वही होता है सर्वनाम। संज्ञा शब्द की जगह प्रयोग होने वाले इन शब्दों को, यानी कि वह और वे को, हम कहेंगे सर्वनाम। अब जो अपने आगे वाले वाक्य थे उनमें हम सुधार करते हैं। जैसे कि हमारा वाक्य क्या था, विराज छात्र है, विराज कक्षा 5वीं में पढ़ता है। उसकी जगह विराज छात्र है, वह कक्षा 5वीं में पढ़ता है। तो यहाँ पर हमने किसका इस्तेमाल किया, वह, ये हो जाता है सर्वनाम। यहाँ पर विराज था जो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा था, उसकी जगह हमने किसका इस्तेमाल किया, वह का, जो एक सर्वनाम है। ऐसे दूसरे वाक्य में सुधार करते हैं, जैसे नेह और आरव मित्र है, नेह और आरव कॉपी में लिख रहा है, उसकी जगह वे कर दिया, क्योंकि दो नाम है, बहुवचन हो गया, तो वहां पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, वे। यानी कि यहाँ पर हम जो व्यक्तिवाचक संज्ञा थी, शब्द थी, उनकी जगह हम वह और वे, सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये जो संज्ञा शब्द है, वो संज्ञा शब्द के बदले में जो अभी हमने जो शब्दों का इस्तेमाल किया, उसी को ही हम बोलते हैं सर्वनाम। सर्वनाम में जैसे हम अपनी बात कर रहे हैं, अपने लिए बात करते हैं, तो हम वहाँ पर मैं, हम, हमारा, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। जब हम दूसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर दूसरे व्यक्ति के लिए तू, तुम, तुम्हारा, तुझे आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। और अगर किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, जो दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, जो तीसरे व्यक्ति के बारे में, तो वहाँ पर तीसरे व्यक्ति के लिए हम वह, वे, उस, यह, ये आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। इन्हें सबके नामों की जगह प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए इन्हें सर्वनाम अर्थात सबका नाम कहते हैं। ये जो होता है उसमें सभी की जगह इस्तेमाल होगा। ये जो हम सर्वनाम की बात कर रहे हैं, वो सर्वनाम सभी, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के सारे अगर नाम है, शब्द है, तो सारे व्यक्तिवाचक शब्दों की जगह हम ये सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए हम सर्वनाम को क्या कहते हैं, सबका नाम। थोड़ा सा पुनरावर्तन कर लेते, जिसमें मैं, हम, वह, वे, तुम, आप, कौन, किस, किन, जिस, ये जो शब्द हैं वो सारे शब्द क्या है, सर्वनाम। सर्वनाम में भी दो प्रकार होते हैं, आप ध्यान रखिएगा। सर्वनाम, जैसे कि हमने आगे के वाक्य में वह और वे का इस्तेमाल किया था, जो वह था वो एकवचन था और वे था वो बहुवचन था। तो ऐसे और कौन कौन से शब्द है जिनका एकवचन और बहुवचन हम जानेंगे। उसमें प्रथम है मैं। जब प्रथम व्यक्ति, मतलब हम अपनी खुद की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम मैं का इस्तेमाल करेंगे, जिसका बहुवचन हो सकता है हम। जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, अगर दो तीन लोग साथ में पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। वह खाना खा रहा है, वे खाना खा रहे हैं। तू, तुम, लोग, लोगों,
तेरे, तुम्हारे, फिर और है मैंने, हमने, तूने, तुमने, मुझको, हमको, तुझको, तुमको, मुझसे, हमसे, ये जितने भी है वो सारे सर्वनाम है, लेकिन उनमें एकवचन और बहुवचन को हमने अलग अलग किया हुआ है। इनके अलावा भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे हम दूसरे व्यक्ति की बात करते हैं, जैसे तेरा, तुम्हारा, तेरी, तुम्हारी, तेरे, तुम्हारे, तुझ में, तुम में, तुझ पर, तुम पर, उसके, उनके, उसने, उन्होंने, उसका, उनका, उसमें, उनमें, उस पर, उन पर। यहाँ पर ये उस है, उसकी जगह उन हो जाता है ना, तुझ है उसमें तुम हो जाता है, जो एक वचन और बहुवचन में वो याद रखिएगा। तेरा है तो तुम्हारा हो जाता है, वहाँ पर म लग जाता है। तुझ में है झ की जगह म लग जाता है, उसके में स की जगह न लग जाता है। ये एक वचन और बहुवचन सर्वनाम के बारे में बात हो रही है। इसके अलावा मेरा, हमारा, मेरी, हमारी, मेरे, हमारे, मुझ में, हम में, मुझ पर, हम पर, उससे, उनसे, और कुछ ऐसे भी एकवचन बहुवचन शब्द हैं जिनका कोई फर्क नहीं होता, एकवचन और बहुवचन दोनों एक समान रहते हैं। कोई, कोई, कौन, कौन, कुछ, कुछ, जो, जो, और ये जो है वो याद रखिएगा, यह, ये, यह किताब है, ये किताबें हैं। ये जो एकवचन और बहुवचन है वो सर्वनाम सारे आप याद रखिएगा। तो हमने आज क्या पढ़ा, सर्वनाम के बारे में पढ़ा। सर्वनाम में याद रखना कि वो शब्द जो नाम की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्द जिनको हम नामों की जगह प्रयोग करते हैं, उन सभी को हम वो क्या बोलते हैं, सर्वनाम, अर्थात सबका नाम। जैसे मैं, हम, वह, वे, तुम, आप, कौन, किस, किन, जिस आदि। आप सभी का आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।